कैसे हैं आप सब? तो फाइनली हमने लॉकडाउन के बाद एक ट्रिप प्लान कर ही ली है और आज है ट्रिप का पहला दिन एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड हिमाचल एंड हमारी डेस्टिनेशन है बरोट और ये है हमारे भाई लोग। सो चलें फिर। सो हम लोग कांगड़ा क्रॉस कर चुके हैं और ये हमारे पहाड़ी पट्टे ज्वाइन कर लिया है हमें और अभी सोडा पार्टी हो रही है। ये जगह है नगरोटा, नगरोटा का बहुत ही मशहूर सोडा पॉइंट है एंड द सोडा क्या बताऊँ जस्ट। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चमुंडा एंड ब्रेक लिया कुछ खाने पीने के लिए। हाँ जी ओके 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 हाँ मिली वाले या 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 सो कुछ खा पी के फिर आप निकलते हैं। तो मंत्री साहब मक्खन की डिमांड कर रहे हैं। हनी भाई सेटिस्फाइड? हनी भाई को मीट चावल चाहिए थे एंड फाइनली मिल गए हैं। हाँ भाई मंत्री साहब ठीक है जाने का मैं चावल जो खाने का मतलब हाथ से है वो चम्मच से। ये बात है। इनको हम प्यार से ज्योति वीरा भी बोलते हैं। ज्योति बहुत ही अच्छे थे। तो अभी हम पालमपुर क्रॉस कर रहे हैं एंड मौसम ऑलरेडी अच्छा होना शुरू हो गया है, हवा ठंडी है एंड हनी भाई अपने हाथ खोल रहे हैं। हनी भाई की गाड़ी पहली बार आई है यहाँ पे भी मैंने बोला थोड़ा ट्राई कर हाथ खोल। भाई मेरा डर डर के चला रहा है बट ठीक है ऐसे एक्सपीरियंस होता है। भाई व्यू चेक करो काले घने बादल छा रहे हैं हमारे इंतजार में। गुस्सा कर रहे हैं कि लेट क्यों आए। उनको ये नहीं पता यहाँ की सरकार ने या कुछ हालात ऐसे हो गए थे लॉकडाउन लगा हुआ था। हम तो काफी देर के तैयार थे। अभी पता नहीं कैसी कैसी मुश्किलें हमारी प्यारी प्यारी बीवियों की गुस्सा सहन करके यहाँ पे आए हैं। भाई एप्लीकेशन लगानी पड़ती है एप्लीकेशन छुट्टी मंजूर करनी पड़ती है। ये हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री श्री चौधरी साहब 108 कसम। हनी भाई इज अ राइडर। हाँ भाई राइडर हूँ मैं। बहुत डिफिकल्ट है पहली पहली बार चलाना। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं ऐसे सीखते हैं। सबसे मुश्किल काम चौधरी साहब कर रहे हैं पीछे बैठे हुए हैं। और वो भी एक नौ सीखी है जो कि पहली बार चला रहे हैं। हनी भाई ने गाने भी पूरे फील वाले लगा दिए। प्ले लिस्ट खतरनाक नहीं है भाई ने? नहीं रैंडमली चल रहे हैं। बस मैंने डाला था हिमाचल प्ले वे सॉरी ट्रैवलिंग प्ले लिस्ट उसमें जो जो आ रहे हैं वो चल रहे हैं। भाई हिमाचल में 220 की स्पीड नहीं चलती। भाई का मैं बस शहर थी मैं चीख करता है। मैं जा चौधरी साहब सौंत नहीं गए तो बंदे पूछे कितने अपने कॉल मारी। तो अभी भाई लोगों को चाय की बड़ी तलब हो रही थी खासकर मुझे। तो ब्रेक लगाई है 2 बजे दोपहर के बट
मौसम के तो क्या ही बात है। जनरली कहते हैं हर एक घंटे के बाद ड्राइविंग के बाद आपको इच्छा के कंप्लेन देने चाहिए। कौन कहते हैं? मैं क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ। पीनी पड़ती है भाई, पीनी पड़ती है, पीनी पड़ती है। चाय 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 बंदे अपने बरोड जाने के लिए। आप जब जोगिंदर नगर से मंडी रोड पे होंगे तो जोगिंदर नगर से 15 किलोमीटर आगे एक घटासनी विलेज आएगा, वहाँ से आपने लेफ्ट लेना है और वहाँ से तकरीबन 23 किलोमीटर है बरोट वैली या बरोट विलेज। हम मुड़ चुके हैं बरोट के रास्ते पे, यहाँ से मे बी 20 किलोमीटर और होगा और रास्ते में रुके हैं। आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सही प्लेस मिला एक, यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे भाई लोगों के साथ। व्यू देखो, कनाडा वाले भाई आजा, कनाडा वाले उधर है, कनाडा वाला भाई अपना आ गया, टूर भाई ने स्पॉन्सर किया है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। वैलीज की ब्यूटी तो बहुत है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर रुककर, बट एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी वो है ये, जो नहीं होनी चाहिए। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अवॉइड दीज थिंग। ਮਿਲੋ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਐਵਰੀਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੱਲੂਡੋਨ, ਹਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਭੀ ਰੋਡ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੋਈ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਟ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲਗਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੋਗਾ। आपको तब तक थोड़े व्यूज दिखाता हूँ नीचे वैली के, काफ़ी गहरा भी है और बताया जा रहा है कि आधा घंटा लग सकता है यहाँ जाम में, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सो वी आर फाइनली एट बरोट, हियर वी कम। I'm
attraction. Natural greenery. Finally at the campsite, and there at the back you can see our camp. That's our camp at the last. Ani bhai in rest mode. Bhai mera bag nahi milta tha. बैग गुम हो गया आज की सनसनी के खबर. यस 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 दोस्त वर अवर कैंप एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम अवर कैंप. इज द व्यू वंडरफुल. भाई लोग सेटिंग कर रहे हैं अपने शाम के प्रोग्राम की. यहाँ पर अपनी ग्रिल है, यहाँ पर हम करेंगे बोनफायर. और यार व्यू देखो यार, बस आप बस क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया. चौधरी साहब हमारे तैयार हो रहे हैं नहाने के लिए. बंदों में एक्साइटमेंट चेक करो, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया आज देखो जोश चेक करो. ये है लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन. यहाँ देखो घर पे पानी का गिलास नहीं लेते. यहाँ चेक करो बंदों की एक्साइटमेंट की भाई लिमिट ही और है. भाई लोगों ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, बड़ी मेहनत की है. अब पूरा सेटअप हो चुका है. यहाँ हमारी ग्रिल तैयार है. सो अपने कुक साहब जो हर टूर पे होते हैं उनकी कुकिंग चेक कराते हैं आपको. मंत्री साहब हमारे द शेफ द तंदूर वाला. मंत्री साहब गुड जॉब बड़ी. बेवफा वो नहीं
फिर वजा क्या हुई इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की रोजी भाई ताडे इंतजार की इंतहा हो गया कुछ खबर मेरे यार की है यकीन बेवफा वो नहीं फिर बजा क्या हुई इंतजार।